हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हम सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहूँगी क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया है लॉकडाउन हटने के बाद भी हमको काफ़ी टाइम तक घर पे स्टे करना है लॉकडाउन हट रहा है उन लोगों के लिए जिनको एमरजेंसीज है ना कि उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी सब चीज़ें हैं सो आपको अपनी सेफ़्टी के लिए घर पर रहना है टाइम यूटिलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक तरीका जो टॉप लेवल पर आता है इज़ टू डेवलप अ स्किल और सेम चीज़ को ध्यान में रखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने 67 कोर्सेज को फ्री कर दिया है जिसके लिए आपको पहले पैसे पे करने पड़ते थे सो so, इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों की डिटेल देने वाली हूँ कि ये कोर्सेज़ कौन से हैं आप कैसे इनरोल कर सकते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और फाइनली क्या कैच है एक कैच है ऑब्वियसली बट आई टेल यू इन एंड सो ये जो सिक्सटी सेवन कोर्सेज हैं जिसके लिए पहले आपको पैसे पे करने पड़ते थे और अब फ्री हैं ये हैं मैं आपको कैटेगरीज़ बता देती हूँ आर्ट एंड डिज़ाइन में बिजनेस में कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस में एजुकेशन एंड टीचिंग में हेल्थ एंड मेडिसिन में ह्यूमैनिटीज़ में मैथमेटिक्स में प्रोग्रामिंग में साइंस में और सोशल साइंस में सो so आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगी आपको उस लिंक पे क्लिक करके जाना है या आपको जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है इसके बाद Uh, वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल कोर्सेज लेट मी मूव दिस डिसाइड सो दैट यू कैन सी उसमें एक ऑप्शन आएगा व्यू ऑल कोर्सेज जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करना प्राइस वाइज डिसाइड करना ड्यूरेशन यानी कम टाइम से लेकर के दो हफ्ते से लेकर के बारह हफ्ते तक के कोर्सेज और डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड करना इन सब बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं तो इसमें से जो ये प्राइस वाला ऑप्शन है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आएगा फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज आपको क्लिक करना है फ्री कोर्सेज़ पे जिसके बाद ये जो कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई ये सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी हर कैटेगरी में मल्टीपल कोर्सेज हैं और उस कैटेगरी के स्पेसिफिकली किस कोर्स में आपको जाना है आप उस कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं जिसके बाद ऑप्शन आएगा एनरोल इन द कोर्स और आपको अपना नाम ई मेल वगैरह डाल के रजिस्टर करना है और आपको आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा एक एंड्रॉयड ऐप है आई एम नॉट श्योर ये बाकी सिस्टम्स पे जैसे आईफोन पे है कि नहीं आई एम श्योर होगी इस ऐप का नाम है एडिक्स uh, इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है अराउंड द वर्ल्ड जैसे एम अगेन हार्वर्ड इन सब के कोर्सेज़ हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं तो आप चाहें तो ये एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ना वॉट इज़ द कैच कैच इज़ कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये तो फ्री हैं लेकिन इसका जो डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके लिए यू हैव टू पे समवेयर बिटवीन हंड्रेड डॉलर्स टू टू हंड्रेड डॉलर डिपेंडिंग अपॉन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ द कोर्स इज इफेक्टिव सो आपको सौ डॉलर से दो सौ डॉलर के बीच में आप वन फिफ्टी डॉलर एवरेज मान के चल सकते हैं पे करने हैं विच इज़ समवेयर अराउंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज टेन थाउजेंड अलेवन थाउजेंड समवेयर बिटवीन नाइन थाउजेंड टू अलेवन थाउजेंड आपको पे करने होंगे सर्टिफिकेट के लिए लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं ना कि किसी सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए और अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो क्योंकि यू आर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ अ बिग बिग थिंग अ वेरी बिग थिंग देन इफ यू वॉन्ट टू पे यू कैन पे एंड यू विल जेन्यूनली गेट द सर्टिफिकेट जिसमें कोई धोखे वाली बात नहीं है फ्रॉड वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं भी चाहिए तब भी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जैसे आप ऐप डेवलप करना सीखना चाहते हैं आप uh, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या फिर जैसे मैंने पर्सनली हेल्थ एंड मेडिसिन में एनरोल किया टू लर्न मोर अबाउट बॉडी बिकॉज आई कम फ्रॉम न्यूट्रिशन बैकग्राउंड मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों न्यूट्रिशन बैकग्राउंड के साथ साथ था तो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए सो so दैट Uh, if I join somewhere new as a dietitian, I have better understanding and knowledge of my background. Not just that, I can say even if I don't have certificate, obviously I can interview. तो मैं बताऊंगी कि एक लॉकडाउन के टाइम पे फ्री कोर्स अवेलेबल था मैंने आवर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स किया है सर्टिफिकेट के लिए आई हैड टू पे हंड्रेड डॉलर्स वन फिफ्टी डॉलर्स और टू हंड्रेड डॉलर्स जो कि मैंने नहीं पे किए अदरवाइज आई हैव अटेंडेड एंड आई हैव स्टडीड फ्राम देर स्टडी मटीरियल सो आई कैन आई टेल जेन्यूनली वाई आई डोंट हैव सर्टिफिकेट एंड हाउ आई परस्यू द कोर्स इन कोर्सेज़ की मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताती हूँ फर्स्ट थिंग नो एज रिस्ट्रिक्शन इज़ देयर आप चाहे पचास साल के हो चाहे या बीस साल के हो अगर आप अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करना चाहते हैं या अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमको पर्सनली भी लाइफ में हेल्प करती है यू नो जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कई ऐसे स्पेसिफ़िक कोर्सेज होते हैं जो आपको आने चाहिए अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो जो आपको जॉब मिलने में हेल्प करते हैं जिसके लिए आपको अदरवाइज़ सीखने के लिए अपने शहर को छोड़ के बाहर की सिटीज़ में जाना पड़ता है वहाँ रहना पड़ता है और वहाँ ये कोर्सेज करने पड़ते हैं अभी आपको घर पर बैठ के और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है यू आर एनी वे डे एट होम ओनली तो आप आराम से पढ़ सकते हैं सेकेंड अच्छी चीज़ ये है कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया या फिर मैं अगर बीच में किसी वजह से बिजी हो जाऊँ तो मेरा ये पूरा कोर्स ख़राब हो जाएगा आप अपने पेस से अपनी पढ़ाई की स्पीड से इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं देयर इज़ नो डेडलाइन देअर सब से अच्छी बात द बेस्ट बेस्ट थिंग अबाउट द कोर्स इज दैट यू डू नॉट नीड एन एजुकेशन बैकग्राउंड टू एनरोल योर सेल्फ इन द कोर्स जैसे मैं हेल्थ एंड मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे बैकग्राउंड से मैच होता है पर अदरवाइज भी अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट होती या मैं अगर एक आर्ट्स स्टूडेंट होती और मुझे हेल्थ एंड मेडिसिन पढ़ना होता तो उसके लिए मुझे बायो बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है मैं किसी भी बैकग्राउंड से हूँ कोई मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड चेक नहीं करेगा और मैं कोई भी कोर्स सीख सकती हूँ तो सपोज़ आपको न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में बहुत सीखना है लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं यान कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब भी आप इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले पाएंगे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि किस किस कैटेगरी में है आर्ट एंड डिज़ाइन में है बिजनेस में है कंप्यूटर साइंस में है डेटा साइंस में है एजुकेशन एंड टीचिंग में है हेल्थ एंड मेडिसिन में है ह्यूमैनिटीज मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग साइंस एंड सोशल साइंस जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक यू मस्ट टेक इट मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी सर्टिफिकेट के लिए वो कम्प्लीटली आपके चॉइस है टू बी ऑनेस्ट मैं खुद सर्टिफिकेट नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सीख रही हूँ सर्टिफिकेट के लिए नहीं और जब भी मैं किसी जॉब के लिए जाऊँगी मैं बता दूंगी कि मैंने कोर्स किया है पर मैं बता दूंगी कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि वो पैसों से मिल रहा था और कोर्स फ्री था तो अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए सीखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा मौका है प्लीज़ डू नॉट मिस इट प्लीज़ डू यूटिलाइज योर टाइम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन Thank you very much for watching this video. If you have any doubts related to this video, then you can ask me in the comment section, I'll let you know.